Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मनाली में है थर्ड डे, तीसरा दिन हमारा। यहाँ की मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे नज़ारे होते हैं। कल हम शाम में निकल जाएंगे। मैं आज बस बाहर आके ऐसे बैठा था, फ्रिज भी नहीं हुआ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ मॉर्निंग यहाँ पे। तो अभी फिलहाल है ना सुबह के 7 बज रहे हैं शायद से यहाँ पे, और ये देखो बारिश भी आ रही है। लेकिन ना वो वाला पहाड़ पता नहीं दिखा होगा या नहीं, वो वाला पहाड़ और वहाँ पे बर्फ़ गिरी है रात में। मैं जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ दिख रहा है क्या? और वहाँ पे भी, यहाँ पे बर्फ़ गिरी है। यहाँ पे नहीं गिरती है क्योंकि थोड़ा नीचे वाला हिस्सा है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे श्योर गिरती है यहाँ पे। बारिश कैसी हो रही है। और यार ये जो सर्दी हुई थी ना, मेरे को बीमार हो गया था उसके से ना, मैं पिछले 2 दिन से नहा नहीं पाया कि सर्दी में नहाता तो और सर्दी हो जाती, और यहाँ पे ऑलरेडी ठंडी बहुत है और गर्म पानी बहुत कम आता है। पिछले टाइम से लाइट जा रही थी इसलिए आया भी नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं एक सरप्राइज के लिए, तो सभी को ही देने का बोल रहे हैं मेरे को, तो देखते हैं क्या सरप्राइज है। तो भाई का सरप्राइज ऐसा बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पे जो ये पानी है ना, ये गर्म पानी आ रहा है, तो हम तो इसमें नहाने का बोल रहे हैं। देखो हाँ बैठेंगे यार, वो गर्म पानी आ रहा है और वहाँ नहाएंगे, टॉवल इसके लेके जा रहे हैं अपन। हाँ ठीक है चलो, पता नहीं गर्म है ठंडा है, जाकर देखना होगा, ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर सच में गर्म रहा तो यार मज़ा आ जाएगी, करते ट्राई देखते हैं। इसके पानी है ना वो ठंडा है, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है जो कि वो है ये, लेकिन सरप्राइज ये नहीं है, वहाँ पे ही वो बस गर्म पानी आता है, इतने हिस्से में वो गर्म पानी आता है, अदर सारा ठंडा है, कुदरती है यहाँ का गर्म पानी। तो हम नहा तो नहीं सकते यहाँ पे, प्लान किया था, लगा था ऐसा था कि पूरी नदी का पानी सुबह सुबह ऐसे गर्म आता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया है, इतना छोटा हिस्सा, वहाँ पे वो गर्म पानी निकलता है। वो बच्चा उसके फादर बहुत मज़े लेके नहा रहे, लकी इंसान है, हम नहीं है लकी, हमको नहीं मिला, और इतने से इतने और ऑलरेडी नहा रहे हैं तो हम नहीं जा सकते। हम कुछ और प्लान करते हैं गर्म पानी के लिए। तो मैंने तो देख लिया यार,
जैसे एक और है ये हॉट स्प्रिंग बाथ, ये हर के लिए क्या तो ये सरप्राइज अभी चेंज हो गया और स्विमिंग पूल है वहाँ की जगह यहाँ पे आ गए। 50 रुपए चार्ज लेते हैं लेकिन आधे घंटे को आप कुछ 50 रुपए चार्जेस लेते हैं लेकिन आधे घंटे तक आप स्विमिंग पूल में गर्म पानी पी सकते हैं। 50 रुपए में आधा घंटा पानी में गर्म पानी में। तो अब यहाँ पे लाने वाले आज हॉट स्प्रिंग बाथ में, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मजा आने वाली है वैसे। तो ये स्प्रिंग बाथ हॉट स्प्रिंग बाथ हमारे रिजॉर्ट थोड़ा ही दूर है, सब लोग हैं यहाँ पे नहा रहे हैं, कुछ बता नहीं सकते क्योंकि सभी नंगे पंगे हैं। मैं भी अपनी बॉडी भी नहीं बता सकता क्योंकि है ही नहीं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज इस व्यू के साथ हमने हॉट स्प्रिंग बाथ लिया है, हमारे रिजॉर्ट के कुछ दूर ही, कुछ बाजू में ही है तो कुछ टाइम दूर ही है। और इतना अच्छा लग रहा है ना क्योंकि दो दिन से ये सर्दी की वजह से ठंडे पानी में नहा नहीं आ रहा है, कभी गर्म पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे हमने रिलैक्स बैठ के 10 मिनट तक आराम से नहाया है, इतना मज़ा आया है ना कसम से, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है लाइफ का। और ये नज़ारे में हम बैठ के नहाए हैं अंदर हॉट स्प्रिंग बाथ में, क्या फील आ रहा होगा इमेजिन करिए, मज़ा आ गया यार, बहुत फ्रेश लग रहा है अभी। चलो हम जाते हैं नाश्ता करते हैं घर पे, रूम पे मतलब। मेरा पैर जो है वो गीले हो गए हैं और मैंने सॉक्स पहन के, तो वो शूज़ गीले ना हो इसलिए मैं जा रहा हूँ हमारे रूम तक पैदल। पराठे भी बहुत मज़ेदार होते हैं यार, क्या आज सैंडविच नहीं है मुझे कुछ खास भी नहीं होता, मतलब सैंडविच मेरे को पसंद भी नहीं कुछ खास, यहाँ का अच्छा होता है पराठे। चले तुम्हारे फोन में कुछ मिला। तो हमारा जो रूम है वहाँ से थोड़े दूर में ये पूल और ये नदी है जैसे आपने पहले भी देखा था, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा रील्स फोटो शूट के लिए आए हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे कभी व्यू। और ये व्यू है यहाँ पे, हमको करना है थोड़ा सा शूट, फोटो शूट रील का, और व्लॉग भी तो बन ही रहा है। हो गया हमारा शूट, बहुत मज़ा आया यहाँ पे शूट करने को, फोटोज बहुत अच्छी आने वाली है, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अभी चलते हैं इन पत्थरों में ना अलग से चमक एक, ये नेचुरली है देखो दिख रहा होगा शायद से, हल्की हल्की चमक है। ये मेरा हेलमेट पड़ा है, चलते हैं। ओके तो आज का प्लान ऐसा है क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, लेकिन हमने बाइक रेंट पे लिया है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाए, बिल्कुल तो अब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका, सिर्फ यूज़ करेंगे, हमने पेट्रोल भी दबा के डाल दिया लेकिन यूज़ हो नहीं रहा कुछ, तो आज सिर्फ और सिर्फ बाइक पे मज़े लेंगे हम। बस भाई रेडी हो गए, उनके गियर अप कर लिया उन्होंने, मैं भी रेडी हो गया हूँ और अब हम जा रहे हैं हमारी बाइक के पास।
यार पीछे इस पूरे पहाड़ पे बर्फ गिरी है। एक पहले वहाँ पे थोड़ा सा शूट करने के लिए अच्छे से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे यार। आपको वहाँ पे देखो शनि भी है ना, तो बाइक हमने कर दी है रिटर्न क्योंकि हमको आज अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। आज का और कल का हमारा आज का पूरा दिन और कल की शाम तक का प्लान था, पर कुछ रीजन के वजह से हमको आज शाम ही निकलना पड़ रहा है, तो हमने हमारी शाम की बस बुक कर दी है और बाइक को आज यहाँ पे रिटर्न कर दिया। पर रिटर्न करना हो गया, कोई नहीं मुझे तो हो गए हमारे, अब हमको जल्दी से मॉल रोड पर भी मॉल रोड पे कुछ शॉपिंग करते हैं घर के लिए अपने लिए और जल्दी से निकलते हैं फिर रूम पे, जो हमें पैकिंग भी करनी है और फिर हमको शाम की बस भी पकड़नी है। तो फिर से मॉल रोड, लास्ट टाइम पता नहीं कल, नहीं कल तो है नहीं हम, आज ही निकलना है शाम में, देखते हैं और क्या क्या शॉप घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, रूम के लिए भी कुछ करनी है, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं और फिर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। क्या खाएंगे भाई, वहीं जाएंगे ये तो कुछ नया खाएंगे कि वहीं खाते हैं लास्ट टाइम की जगह पे, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है और नया कुछ ट्राई करते हैं फिर। खाने के बाद मीठा तो बंद है और यही यहाँ का सबसे मेरे को फेमस लगता है या फिर अच्छा लगता है, लास्ट टाइम ये मंगा लिया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिले, ट्राई करते फिर हम। तो कर रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल रोड पे, कुछ चीज़ें ले ली हमने, कुछ चीज़ें बाकी है, अच्छी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, रिजनेबल भी है और बार्गेनिंग भी हो जाती है अगर आप करने पर उतर आए तो। क्या बोलते भाई, बहुत एक्सपर्ट है बार्गेनिंग करने में, मैं सीधा 1000 की चीज़ को 100 रुपये में मांगता हूँ तो इनके वजह से मेरा बहुत फ़ायदा हो गया, भाई को अच्छे से बार्गेनिंग आती है, मेरे को नहीं आती है, पर नहीं मज़ा आता और है कि वो 100 में नहीं देते लेकिन 200-250 में तो दे ही देते, इसीलिए आना चाहिए, ये भी चीज़ ज़रूरी है। अभी हम कुछ बाकी है वो चीज़ें वो ले लेते हैं, हमको निकलना है जल्दी से रूम पे, शॉपिंग कर ली है लेकिन अभी उसके लिए बैग ढूंढ रहे हैं कि बैग कहाँ से लाए क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा है मेरे पास, फिर हम बैग ढूंढेंगे। और ये है लास्ट टाइम मॉल रोड फिलहाल के लिए, तो अगली बार इंशाल्लाह मौका रहा अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएंगे, अभी के लिए तो इसको अवॉइड कर रहा होगा क्या। अब हम सीधा जा रहे हैं रूम पे, एक वन लास्ट चाय पियेंगे ना, चाय पियेंगे यहाँ पे स्पेशल और फिर निकलते हैं हम। तो शायद से मॉल रोड की और मनाली की भी आते हैं चाय, ये देखो मनाली आ रहे हो ज़रूर आओ और अक्टूबर एंड में आओ, नवंबर स्टार्टिंग में मत आना, अक्टूबर में ही आना, मौसम बहुत अच्छा है और नवंबर में सब बंद हो जाता तो इसके आसपास के जाने मिलेगा नहीं, मिलेगा वही रीज़न की वजह से हम आज जा रहे हैं, एक दिन पहले पहले जा रहे हैं हम,
कि हमारा कल का भी स्टे था, लेकिन हम आज शाम ही निकल रहे हैं। कोई नहीं, हम यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं और आज मॉल रोड की आखिरी शाम इंजॉय कर रहे हैं और आखिरी चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली आ गए हम रूम पे और अब हम तैयारी कर रहे जाने की दिल्ली। आज शाम में ही जाना है, 8 बजे बस है। तो आज बहुत मज़ा आया, आज का व्लॉग में भी बहुत मज़ा आएगा आपको भी। ओके, तो हमारी पैकिंग हो गई है। ये एक यहाँ का बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट था, हमको अपनी ट्रिप, ये एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने ये ट्रिप प्लान करके दिया था और बहुत अच्छे से किया है। यहाँ का खाना, सर्विस, सब 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 बढ़िया है। आप लोग भी आ सकते हैं, अपने कपल्स लोग के लिए सबसे बेस्ट है ये, जैसे कि गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं, वाइफ के साथ आ सकते हैं और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं, क्योंकि अब सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा खाना खाएंगे और हम निकलेंगे। देखो हमारी पैकिंग जो है ऑलमोस्ट हो गई है, दबा दबा के। ये बैग हमारा, मेरा, ये भी मेरा, ये शफीक भाई का, ये भी शफीक भाई का, और कुछ चीजें बाकी है वो हम ले लेंगे। हाँ, हो गया, सब डन है, बस हो गया है, थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर हम बस आएंगे, बस निकलते हैं, बस आएंगे और निकल। तो आ गया हमारा लास्ट मील मनाली का, बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बहुत अच्छे से, एकदम फ्रेश ताज़ी ताज़ी रोटी सब्ज़ी और बहुत अच्छा वेज था, लेकिन बहुत मज़ा आया खाने में, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। अब आखिरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तब खाएंगे, अभी फ़िलहाल खाते हैं। देखो बनाया भी एकदम मस्त है, फ्रेश ताज़ा, और क्या आ रहा है, और चावल भी वहाँ से आ रहे हैं। ये आ गए हमारे चावल, फ्रेश लीदर राइस, खाते और चलते भाई, अपने चेक करा लो। तो फाइनली हमारी बस आ गई है, हम निकल रहे हैं मनाली से, चलो मिलते हैं, बाय। चलो।